एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 21, और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लेयर मास्क को यूज किया जाता है, और ये भी बताया था कि लेयर मास्क को और भी एडवांस तरीके से सीखेंगे आगे जाके, मतलब कि जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसके अंदर लेयर मास्क को किस तरह से एडवांस वे में यूज करना है और किस तरह से यूज एक्चुअली किया जाता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो आज की जो क्लास है उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से लेयर मास्क को थोड़ा आगे जाके, मतलब कि जब हम जानेंगे एडवांस वे, तो तब किस तरह से यूज किया जाता है वो आज के क्लास में हम देखेंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने एक पिक्चर ले आया हूँ। देखिए, आप अभी देख सकते हो मेरे जो कंप्यूटर की स्क्रीन में एक पिक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किया गया पिक्चर है अभी। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कुछ यूनिक चीजें, जिसको हम करेंगे किसके थ्रू, लेयर मास्किंग के थ्रू। तो लेयर मास्किंग कहाँ पर है, पिछले बार में बताया था, फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसको हम कहते हैं एड मास्क बटन। इसका मतलब इसके थ्रू हम लेयर मास्क को ऐड करते हैं। ओके, और लेयर मास्क एक ऐसे तरीका है जिससे आप नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम कर सकते हैं, मतलब कि एक खिड़की की तरह वो काम करता है, जिससे मतलब कि इसके जो पिछले क्लास था उसमें मैं अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया हूँ कि आपको किस तरह से काम करना है इससे लेकर। तो आज की क्लास में और थोड़ा एडवांस तरीके से जानेंगे। ओके, तो इसके लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसी तरह से एक पिक्चर डाउनलोड कर लेना है और उसको फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है कि आपको एक डुप्लीकेट लेयर लेना है। आपको बताया था कि कोई भी लेयर को अगर आप कॉपी करना चाहते हो, मतलब अगर उसे चाहते हो डुप्लीकेट करना उसका, तो कंट्रोल जे आप अपने लेयर पैनल में होके, मतलब कि उस लेयर को सिलेक्ट करना, कंट्रोल जे को प्रेस करते ही आपका डुप्लीकेट बन जाएगा। या फिर आप अपने जो कैनवास है ना उसमें जो पिक्चर होगा उसको इस तरह से ऑल की के साथ अगर ड्रैग करेंगे तो उसका और एक डुप्लीकेट बन जाएगा। तो जो भी आप चाहते हो, मतलब कि कई मरतबा ऐसा होता है कि कोई छोटा वाला ऑब्जेक्ट होता है, आप वहां से लेफ्ट साइड ड्रैग करके राइट साइड में लेते हो, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, जैसे ऑल की को ड्रैग करके प्रेस करके ड्रैग करते ही उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। पर यहां पर आप ऐसे कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले सकते हो। तो यहां पर मैं डुप्लीकेट ले लिया। और एक बात, आज के क्लास में इसका एडवांस वे जानेंगे किस तरह से यूज किया जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा एडवांस तक आपको लेके जाना चाहता हूँ। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है ना, पहले इमेज सेक्शन ऊपर आपको कहीं सारे टैब दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज सेक्शन, इमेज में आप क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आ जाना है आपको एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स के राइट साइड में देखिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको राइट साइड में, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है ना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप में से कोई CS का वर्जन यूज करता होगा तो शायद यहाँ पर आपको ये डी सैचुरेट नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पर अगर आप CC में करते हो तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, तो जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी, जिसको आप प्रेस करते ही आपका ब्लैक एंड व्हाइट पैनल ओपन हो जाएगा। तो किस तरह से दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट का पैनल, देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट का पैनल आपको दिखाई देगा अपने राइट साइड में, देखिए इस तरह का। तो इसे प्रेस करते ही आपका फोटो देखिए इस तरह से ऑटोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। वापस करते हैं, इमेज सेक्शन में जाते हैं एडजस्टमेंट, और यहाँ पर मिल जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, इससे प्रेस करते ही यहाँ पर आ गया आपका पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, और एक नया वाला विंडो आपको ओपन हो गया यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अभी फिलहाल। तो यहाँ पर पहले तो दिया गया है प्रीसेट्स, ब्लू फिल्टर आपको दिया गया है, या फिर डार्कर फिल्टर दिया गया है, हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट फिल्टर दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पर लाइटर, इन्फ्रारेड, मैक्सिमम ब्लैक, मैक्सिमम व्हाइट, इस तरह का कई ज्यादा फिल्टर आप दिया गया है यहाँ पर। मैं सजेस्ट करूंगा डिफॉल्ट ही रखना। पर ये जो फिल्टर है यहाँ पर, ये जो प्रीसेट्स है, ये क्या मतलब कि इनका काम क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू फिल्टर, मतलब आपके पिक्चर में ब्लू कलर का अगर कोई भी प्रेजेंस होगा तो उसको लेकर ये एक फिल्टर आपको अप्लाई करके दिखाई देगा, जैसे कि ये वाला। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डिफॉल्ट रखना, क्योंकि इसके अंदर मतलब देखिए यहाँ पर रेड दिया गया है, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मैजेंटा, इस तरह का कई ज्यादा आपको कलर यहाँ पर दिया गया है। उसका एक रूलर दिया गया है राइट साइड में, उसका अमाउंट बॉक्स। तो ये जो चीजें दिया गया है इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर प्रीव्यू दिया गया है, अगर आप यहाँ पर ऑन टिक कर दे, यहाँ पर चेक लगा हुआ रहना चाहिए आपका, वरना आपका इस तरह सा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाई नहीं देगा। तो अगर यहाँ पर ऑन टिक कर दो आप, तो यहाँ पर देखो कई कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा राइट साइड में ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पर रेड है, उसके साथ थोड़ा सियान कलर है, यहाँ थोड़ा येलो सा गोल्डन सा कलर है। ओके, तो इस तरह की तमाम तर चीजें यहाँ पर दिया गया है, और मैजेंटा भी है यहाँ पर। ओके, ये वाला, तो अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, पहले तो रेड कलर देखिए यहाँ पर। तो ये जो चीजें दिया गया है ये आप यहाँ से तय कर सकते हो कि किस कलर को आपको ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो इसमें रेड कलर ये वाला है, ओके देख लीजिए ध्यान से, ये वाला रेड कलर है, ये वाला भी रेड कलर है। मान लो यहाँ पर मैं रेड की अमाउंट को थोड़ा घटा दूं इस तरह से, तो जो रेड कलर है ना ये वाला थोड़ा और ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो रेडियस था
रेड का उसको कमा दिया, मतलब कि घटा दिया उस तरह से। तो इसको आप यहाँ से इस तरह से सैचुरेट या फिर डीसैचुरेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर याद रखना रेड कलर में जो स्किन टोन का प्रेजेंस होता है, क्योंकि जो स्किन टोन होता है ना एक्चुअली वो ब्लड से ही आता है, तो इसलिए रेड के ऊपर ज्यादा छिड़खनी मत करना। ओके, अगर आपको इस तरह से पिक्चर एडिट करना है तो मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला 50 था उसे 50 ही कर देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करके। और येलो वाला अगर आप चाहते हो तो येलो को और भी डार्क कर सकते हो, पर फिलहाल यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट होल पिक्चर रहे, पर फिलहाल इसका जो ऑर्नामेंट्स है ना ये वाला ज्वेलरी, इससे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिस तरह से मैरिज एडिटिंग में किया जाता है, मैरिज फोटो एडिटिंग में किया जाता है, इस तरह से मैं थोड़ा घटा देता हूँ इसे। और ग्रीन वगैरह को और भी घटा सकते हो आप, पर इसमें कोई प्रेजेंस नहीं है इसलिए आपको कोई यहाँ पर चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा होगा। पर सियान का देखिए यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से ब्लैक, अगर आप इसे घटाते जाएंगे तो यहाँ पर ब्लैक होता जाएगा। उस तरह से ब्लू यहाँ पर थोड़ा घटाया, इस तरह से और भी थोड़ा घटा सकता हूँ मैजेंटा को। और यहाँ पर टिंट दिया गया है, टिंट मतलब आपका कलर। ओके, यहाँ पर कोई भी कलर आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, पर मैं फिलहाल अभी आपको नहीं बता रहा हूँ वो, सिर्फ आप यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में करना। टिंट अगर करते हो तो टिंट में आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, और उसका जो ह्यू है, ह्यू मतलब कलर, ओके, उसको यहाँ से इस तरह से सैचुरेट डीसैचुरेट करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। पर फिलहाल अभी के लिए नहीं, अभी के लिए मैं जो बता रहा हूँ वो आप देखिए। तो टिंट को अनटिक कर दिया, मतलब कि अनचेक कर दिया। उसके बाद आपको जो एडजस्टमेंट करना था वो आप कर ले, और उसके बाद ओके बटन यहाँ पर दिया गया है, उसके ऊपर जाके सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, पहले हमने एक कॉपी लेयर लिए, उसको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में कन्वर्ट कर दिए। तो फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्या ना, लेयर मास्क। लेयर मास्क अप्लाई करते ही इसका मतलब क्या हुआ ना, हम जो एडजस्टमेंट यहाँ पर किए हैं इसको हम यहाँ पर मिटा सकते हैं या फिर वापस ला सकते हैं, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव वे। तो लेयर मास्क का मतलब अभी ये लेयर नहीं है यहाँ पर, मतलब कि अभी ये है, पर अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट बैकस्पेस फेर दूं तो यानी कि ये लेयर अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये हमने इस लेयर पे अप्लाई किया है, ना कि हम ब्लैक एंड व्हाइट पे। ब्लैक एंड व्हाइट को नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में किस तरह से किया जाता है वो भी आगे जाके जानेंगे। फिलहाल ये टोटली लेयर पे ही अप्लाई हो गया, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता, मतलब कि अगर चाहूँ मैं इतना यहाँ से हटा दूँ ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं क्या ना इसका एक डुप्लीकेट ऊपर ले लिया, जिस तरह से इसका और एक डुप्लीकेट बैकग्राउंड में है जो कि एक्चुअली कॉलर में है। पर ये वाला जो ब्लैक एंड व्हाइट में अभी आपको दिखाई दे रहा है, अगर इससे मैं कुछ भी हटा दूँ, जैसे कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इस तरह से ब्लैक को ऊपर रखते हुए ब्रश को चूज किया और फिर इस तरह से फेरना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ ना, हमारे जो ये वाला पिक्चर ना, ये वाला यहाँ से रिमूव होता गया यहाँ से। तो जो अभी कलर दिख रहा है वो नीचे वाला लेयर है। ओके, अगर मैं इसे हाइड कर दूं ना, देखिए अभी इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पिक्चर था ये अभी रिमूव होता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पर सिंपली इससे क्लिक करना है और जो ऑर्नामेंट है ना उससे हमें यहाँ से हटाना है, जिस तरह से मैं अभी आपको कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से ब्रश को थोड़ा सा स्मूथ करना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड से थोड़ा नीचे, और छोटा करते ही आप इस तरह से अपने जो ऑर्नामेंट्स है ना उसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करता जाना है आपको। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। फिलहाल अभी देखिए ये मेरा हो गया कंप्लीट। तो ये था हमारा पिक्चर, किस तरह से इस तरह से दिखाई दे रहा था, पर हमने क्या किया ना इसे हाईलाइट कर दिया। ओके, तो इसके अलावा और भी इसमें अगर बहुत सारे एडिटिंग ऐसे है जो आप अगर इसमें कर दो तो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होकर आपका जो पिक्चर है वो दिखाई देगा। तो वो किस तरह से करना है अभी नहीं जानेंगे, आगे जानेंगे जब तक हम आगे एडवांस क्लास में नहीं पहुंचते हैं, तब तक
इसमें ही काम चला लेते हैं बस इतना। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। तो आज के क्लास में हमने जाना कि किस तरह से एडवांस वे में हम लेयर मास्क को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई पिक्चर है तो ऑब्वियसली ट्राई करना, अगर नहीं है फिर से गूगल में डाउनलोड करके इस तरह का पिक्चर बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप इस तरह का लुक भी दे सकते हो, और थोड़ा बहुत एडिटिंग अगर आपको पता है तो कर दो, वरना हम आगे जाके सीख जाएंगे और बहुत ज़्यादा सारे लोग इसमें हम ला सकते हैं, तो उसे आगे जाने के। पर फिलहाल आज के लिए इतना। ओके, तो फिर से मिलेंगे दूसरे क्लास में, मतलब कि इसका जो नेक्स्ट क्लास आ रहा है उसमें, नेक्स्ट क्लास में फिर से वापस कोई नया वाला टूल के बारे में फिर से लेके आऊँगा और उसको आपको करना है। ओके, पर तब तक इसे प्रैक्टिस करता रहे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।